तो आप लोग देखिए मैंने ब्रेड को पानी में अच्छे से भिगा लिया है, आप लोग भी भिगा लिए। ये देखिए एक स्लाइस ले लिया है मैंने, और एक साइज के अपने हाथों से या अपने स्पून से, स्पून की मदद से आप लोग देख सकते हैं ऐसा। जी आलू चीज हमारा जो मसाला था स्पाइसेस हम उसमें डाल दिए हैं। ये देखिए मैंने इसको ऐसा, ढक्कन रहो या प्लेट रहो आप ऐसे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस स्लाइस को भी नेक्स्ट वाले भी भिगा लिया है। ये देखिए फिर मैंने इसके ऊपर रख दिया है ग्लास की मदद से, या कटर हो आपके पास या कुछ ढक्कन हो या कुछ रहो उसे आप इसको ऐसा गोल, आराम से गोल कर लेंगे। ये देखिए आप लोग देख चुके, ये देखिए देख सकते हैं आप, ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया। और ये राउंड वाला जो साइड का जो बचा हुआ है, देखिए देख सकते हैं आप लोग मैंने कट कर लिया। ये देखिए इसको ऐसे अपने हल्के हल्के हाथों से आप इसको आहिस्ता दबाइए। ये देखिए आहिस्ता आप आराम से इसको दबाइए। इसके बाद में आप ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको डालिए। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मैंने कैसा किया है। ये देखिए बन चुके हैं, ये देखिए मेरे तीन बन चुके हैं, मैंने बना कर रखा है और मैं अभी और दो बना दूंगी इसमें। चलिए फिर मैंने ये वाला स्लाइस को पानी में भिगा दिया, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए इसको भी मैं भिगा कर यूँ करती हूँ। ये देखिए इस स्पून की मदद से या आप अपने हाथ से, अपने साइज से, आप हाथ के साइज से ये देखिए वो ले सकते हैं। ये देखिए ले लिए। अब नेक्स्ट बार भी स्लाइस को भी अब हम इसी प्रोसेस ऐसे ही करेंगे, सेम जो हमने पहले किया था। ये देखिए पानी में हमने इसको फिर से भिगो दिया। अब हम लेते हैं फिर इसके ऊपर हम रख देते हैं, फिर ग्लास की मदद से हम इसको आराम से हल्के हल्के हाथों से दबा कर कट कर देते हैं। फिर ये जो बचा हुआ है साइड का मैंने इसको निकाल दिया है। देखिए ये देखिए ये हमारा बन चुका है फिर से नेक्स्ट वाला। ये देखिए आप फिर मैंने इसको हाथ में लेकर हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस कर रही हूँ। देखिए आप लोग भी देख सकते हैं, ये देखिए ये देखिए देखिए। इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में हम आप इसको ये देखिए डिप कर देंगे, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए तो ये कुरकुरे और क्रंची अच्छे से बनेंगे। मैं आपको अभी इसको फ्राई कर कर भी बताती हूँ, आप लोग घर में इसको ज़रूर बनाइए। चलिए अब हम चलते हैं।